यार जो भी आपको स्पॉन्सर करता है, जो भी आपको पैसे देता है, तो सिंपल सा ये समझ लो कि वो बिजनेसमैन होते हैं। अगर वो आपको 50,000 रुपए दे रहे हैं ना, तो वो देखते हैं कि आपसे फाइव देते लाख हैं अरे एक बात बता रहा हूँ, क्यों नहीं देते हैं? देते हैं, वो भी दे ज्यादा रहे हैं। सीरियस नहीं, हो मैं रहे एक बात हैं बता रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है विरल, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ओलंपिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते इस वीडियो में बात करते हैं। आज दोस्तों बात कुछ नहीं करनी है, आज हमें लेना है इंटरव्यू हमारे तीन बहुत ही स्पेशल और बहुत ही बड़े एथलीट्स। इन लोगों को वैसे मैं आपको बताऊं तो किसी तरह की कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं। सबसे पहले IFBB प्रो जुनैद कालीवाला, मनोज पाटिल हेलो, और सिद्धांत हमारे जायसवाल, सिद्धांत जायसवाल। सिद्धांत भाई द कोर किंग, द कोर किंग, यस नाउ आई एम सोन किंग। चलो नाउ बैक टू आवर टॉपिक। तो आज हम लोगों ने यही मिलकर के डिसाइड करा कि यार एक वीडियो करते हैं मिला करके, तीनों के तीनों इतने बड़े एथलीट्स। आपने शायद इससे पहले कैमरा में इन तीनों को एक साथ हो सकता है ना देखा हो। आप लोग जो फैंस हैं इनके, कई बार क्या होता है कि आपस में हम लोग ये सोचते हैं कि शायद इनमें बनती ना हो, और किस तरह से ये लोग एक दूसरे को हैंडल करते हैं, क्या इनकी नेचर है। आज आप लोग देख पा रहे हैं कि तीनों के तीनों एक साथ बैठे हुए हैं, और क्या इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ये आज आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन के अंदर। मसाज भी कर रहे हैं, मसाज भी कर रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले इसमें यही जान लेते हैं, जुनैद भाई से जान लेते हैं। जैसे कि कई बार होता क्या है ना कि कॉन्ट्रोवर्सी होती है कई एथलीट्स के बीच में, हम लोग सोचते हैं कि इनके बीच में कॉन्ट्रोवर्सी है, फिर कई बार फैंस ऐसा कर देते हैं, ऐसा माहौल बना देते हैं कि जैसे कि जुनैद भाई हो गए या फिर मनोज पाटिल हो गए, इनके बीच में देखा जाता है कि हाँ भाई यार शायद इनके बीच में कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। तो क्या सच में ऐसा होता है भाई, आप थोड़ा इस चीज को बताएं। नहीं ऐसा मेरे हिसाब से तो हम लोग दोनों के बीच में तो बहुत कम कॉन्ट्रोवर्सी, मुझे नहीं लगता कभी हुई भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं हुई है। कुछ लोग रहते हैं जो इंस्टाग्राम पे कमेंट्स डाल देते हैं, जैसे कि मोस्टली मेरे और मनोज के बीच में ज्यादा होता है, बिकॉज पहले सिद्धांत भाई हम लोग के आसपास में रहते थे तो हम लोग डेली मिलते थे, लेकिन अब सिद्धांत भाई थोड़ा सा दूर शिफ्ट हो गए जहाँ पे वो रहते, तो उनसे मुलाकात कम होती है। मनोज से मेरी एवरीडे दिन में 2 बार 1 बार मुलाकात होती है। तो अगर हम लोग कोई पिक्चर डालते हैं तो लोग कंपेयर करना चालू कर देते हैं कि यू नो मनोज इज बेटर, जुनेद इज बेटर, ऐसा है। तो मेरे हिसाब से ये कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है। हाँ कॉन्ट्रोवर्सी वो होती है जब एक दूसरे के बारे में तुम बुरा बोल रहे हो, यू नो किसी को तुम नीचा दिखा रहे हो, और वो भी तब होती है जब दो इंसान एक दूसरे से फाइट करते। अगर एक इंसान जैसे कि मैं अगर आपके बारे में बोल रहा हूँ कि अरे अविरल भाई ये कर रहे हो वो कर रहे, बट अविरल भाई कुछ रिप्लाई नहीं करे तो कॉन्ट्रोवर्सी नहीं होती, वो मेरी तरफ से हेटरेड है आपके लिए। तो मेरे लिए कभी मैं मनोज के लिए हेटरेड आएंगे, क्योंकि हम लोग ने 5 शो, मनोज 5 शो हमने साथ में खेले, 5 शोज एक ही स्टेज पे खेले, और मेरे और सिद्धांत के भी काफी सारे शोज हुए, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर महाराष्ट्र, मिस्टर इंडिया, काफी सारे शोज हम लोग तीनों ने एक साथ खेले। किसी की प्लेसिंग ऊपर किसी की प्लेसिंग नीचे हुई है, ऐसा नहीं है कि सब शो मैंने जीते या सब शो मनोज ने जीते या सब शो, एक बैलेंस बना रहा है। कभी सिद्धांत भाई की प्लेसिंग ऊपर चले गई, कभी मनोज की ऊपर चले गई, कभी मेरी ऊपर चले गई। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये अंडरस्टैंडिंग हर एक एथलीट में होना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर तुम एक एथलीट हो के दूसरे एथलीट की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो तो फिर तुम गलत जगह पे हो। कंपटीशन होता है जब आप स्टेज पे रहते हो, तो डेफिनेटली कंपटीशन है, डेफिनेटली स्टेज पे मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये मुझे नहीं छोड़ेगा, या सिद्धार्थ मुझे नहीं। कॉम्पिटिशन हाँ, बट वो सिर्फ कॉम्पिटिशन तब तक के जब तक के तुम स्टेज पे एंट्री से एग्जिट तक रहते हो। बैक स्टेज हम हमेशा एक दूसरे के सपोर्ट में रहे और एक दूसरे के रिस्पेक्ट किए, पंप किए, टैन किए, टचअप किए, खाना शेयर किए, बहुत सारी चीजें हम लोग ने शेयर किए। अपना गेम तो ऐसा है कि मतलब कुछ ऐसा फाइट करने वाला है ही नहीं। अपना गेम ऐसा है कि आप सालों साल कितने डिसिप्लिन में हो, कितने आप हार्डवर्क कर रहे हो, कितना आप मतलब कंटिन्यू आप अपने गेम में हो, वही चीज आप जाके उस चीज को आप डिस्प्ले करते हो। ऐसा नहीं है कि जो होता है मतलब किसी को मार के गिराना है या किसी को वो करना है या किसी का मतलब मजाक बना के जो होता है उसको फिर अपने को पॉइंट मिलने वाला है, कुछ ऐसा अपना गेम ही नहीं है। अपना गेम तो वही है कि आप कितने ज्यादा डिसिप्लिन में 365 डेज आप रहे हो और उसी चीज को जाके आपको वहां पे डिस्प्ले करना है। तो ये चीज कभी मतलब आपस में होता ही नहीं। और हाँ ये है कि मतलब इवन भाई भाई में भी जो होता है अपना ठनबन थोड़ा बहुत लगा रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग किसी के लिए बहुत ज्यादा निगेटिव सोचते हैं या ये सोचते हैं कि नहीं इसको खत्म कर देंगे, इसको खराब कर देंगे, या ये चीज इसको मिला तो क्यों मिला। इवन हम लोग के सामने भी बहुत सारे लोग ऐसा ऐसा बात करते हैं कि ये ऐसा कैसे हो गया, वो ऐसा कैसे हो गया, तुम इतने अच्छे हो तुमको ये मिलना चाहिए, या वो इस चीज के लिए डिजर्व नहीं करता। तो उसको एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी चीज अगर कोई किसी के पास है तो इस मतलब ऐसे नहीं है, उसके लिए उसने कुछ ना कुछ किया है और वो चीज आप सीखो कि उसने क्या किया है और क्या चीज करके उस चीज को अचीव किया है, ना कि आप उसको कंप्लेन करो। तो एक्सेप्ट करो कोई भी चीज को और लर्न करो और उसके बाद इम्प्रूव करो, फिर आप भी अचीव करो। क्योंकि भाई ये बात देखी गई है ना कि आप लोगों में डिफरेंसेस खास तौर से देखे तब आए
एक प्रैक्टिकल बात जो मैं कहूंगा वो ये है कि जब से जुनैद भाई आईएफएबी प्रो बने हैं तब से लोगों का कुछ अलग ही कहना हो गया है कि यार जुनैद कालीवाला प्रो कार्ड इन्होंने जीत लिया है, मेंस फिजिक के प्रो एथलीट बन चुके हैं आईएफएबी के, लेकिन शायद इनसे बेहतर दूसरे और एथलीट से या फिर मनोज भाई और इनमें जुनैद भाई में कई बार ऐसा होता है कि यार कंपैरिजन होता है कि यार इनको मिल गया इनको नहीं मिला या फिर सिद्धांत जायसवाल को प्रो कार्ड नहीं मिला, तो इस चीज के ऊपर आप लोग किस तरह से इन सब चीजों को, क्या आपका इसके ऊपर टेक है? एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि चलो अगर जो होता है अभी जुनैद भाई को भी प्रो कार्ड नहीं मिला होता, ठीक है, फिर आप लोग का क्या बोलना रहता कि अरे इंडिया से जो होता है अभी भी जो होता है आईएफबीबी प्रो का लिस्ट निकल रहा है, इंडिया से अभी तक कोई भी जो होता है मतलब प्रो बना नहीं है, किसी का नाम ही नहीं रहता है। तो एटलीस्ट अभी ये चीज आप पॉजिटिविटी में लो, ये चीज आप देखो कि कहां इंग्लैंड का, यूएसए का और इनका उनका कनाडा का नाम रहता है, उसके बीच में कोई एक इंडिया का नाम रहता है। अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसे करके लिया वैसे करके लिया, चाहे जैसे भी लिया, मतलब आपके वे में मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, तो मगर आप देख रहे हो ना वहां पे अपने कंट्री का नाम आ रहा है, तो एटलीस्ट जो होता है मतलब उसके लिए थैंक्सफुल रहो कि आपके कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक चीज आपको ये बता दूं, किसी भी एथलीट को, किसी भी बॉडी बिल्डर्स को कोई गवर्नमेंट्स कुछ पे नहीं करती, या मुझे या इनको किसी को भी नहीं, ये हम लोग का मतलब पैशन है और हम लोग किसी से मांगने भी नहीं जाते, हम लोग इसके लिए पैशनेट है, हम लोग जो होता है मतलब खुद अपना ड्रीम देखे और उसके लिए मेहनत करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं और उसके ऊपर स्पेंड करते हैं, फिर वो चीज को अचीव करते हैं। तो यार आप लोग जब ये चीज बोलते हैं ना तो बहुत हर्ट होता है, आप लोगों से कुछ हम लोग मतलब मांगते नहीं है, बस यही एक्सपेक्टेशन रहता है कि यार जो चीज कर रहे हैं बस आप उसको एप्रिशिएट करो, एटलीस्ट एप्रिशिएट नहीं कर रहे हो तो उसको मतलब इतना गलत मत बोलो, उस चीज को अब्यूज मत करो, गाली मत दो यार हमारे मेहनत को, हमारे हार्डवर्क को। तो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से मनोज ही बोल सकते हैं, बिकॉज मनोज करी बोलते मनोज को बोला जाता है जुनैद को मिल गया तुम डिजर्व करते हो। मनोज भाई आप इसके बारे में, इस चीज के बारे में पहले मैं मनोज बोले फिर उसके बारे में एक बार मनोज भाई पहले इसके बारे में बताएंगे क्या कि लोग अक्सर ये कहते हैं यार जुनैद कालीवाला को प्रो कार्ड मिल गया लेकिन शायद इनसे बेहतर मनोज पाटिल भी डिजर्व करते थे, उनको आज तक नहीं मिला और इनको मिल गया, लोग आप में और इनमें इस वजह से भी एक कॉन्ट्रोवर्सी यहाँ पर ज्यादा करते हैं। कॉन्ट्रोवर्सी तो जब से प्रो कार्ड कॉन्ट्रोवर्सी तो बहुत है जी, कॉन्ट्रोवर्सी तो मिस्टर मुंबई मिस्टर इंडिया से चल रही है, 2016 से चालू 2017 से चालू कि जुनैद से मैं बेटर हुआ, मैं उससे जुनैद मेरे से बेटर है, सब चीजें। और लोग बोलते हैं कि मनोज की बॉडी बहुत अच्छी है जुनैद से, जुनैद के पहले उसको प्रो कार्ड मिलना चाहिए था, तो मुझे ऐसा लगता कि यू नो जुनैद से मेरी बॉडी अच्छी है, बट जो प्रकार से जुनैद ने जाके हर दूसरे घंटे में जाके रिप्रेजेंट डाले हैं, एफर्ट डाले हैं, अपना पैसा खर्चा किया, अपनी मेहनत लगाई, अपने दिल लगाया, अपने बाहर जाके रहना खाना स्टे जो ओम में नहीं कर सका, तो दैट्स अ रीजन मेरे पास आज प्रो कार्ड नहीं है। एंड उसके पास प्रो कार्ड है तो उसने उसके मेहनत की वजह से है, उसके हार्डवर्क की वजह से है कि भाई दूसरे घंटे में जाना है, आपको ट्रैवल करके जाना है, वहां पे रहना है, वहां पे खाना बना के पका के आपको प्रेप करके खाना है। सही बात, तो ये चीज उसने करने के ये चीज नहीं देखते लोग, एग्जैक्टली नहीं नोटिस में आती, लेकिन है अभी सिद्धांत भाई की बॉडी, मेरे से भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एथलीट्स इंडिया में है, उनको प्रो कार्ड मिला नहीं मिला नहीं मिला जुनैद को मिला है, बिकॉज जुनैद डिजर्व करता है कि उसने जो अपने आइडियाज है वो लोगों के सामने दिखाए, हमको रास्ते दिलाए। जुनैद ने अभी मैं जब अमेचर ओलंपिया खेलने गया था इटली, तो प्लानिंग उसका ही था कि भाई तू वहां पे जाई खेल तेरे चांसेस ज्यादा, क्योंकि तू बड़ा है तो बड़ा वहां पे तेरे को अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। और मेरे को कंपटीशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल पड़ा कि मैं जब वहां पे गया तो थोड़ी मेरी गड़बड़ हो गई ना, तो मेरे सही में वहां पे प्रोग्राम मिल जाता। तो हम लोग एक दूसरे को राय लेते रहते हैं, मेरे को बताते रहता है कि भाई मानो जैसे कर, क्योंकि वो ही द प्रो एथलीट और हम लोग, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ और ही द सीनियर एथलीट फॉर मी, बिकॉज 2013 से कम्पीट कर रहा है मेंस फिजिक में, 2015 से मैं कम्पीट कर रहा हूँ, तो दो साल का डिफरेंस है बीच में। सो मैं यही बोलूंगा कि प्रो कार्ड किसकी बॉडी अच्छी है या किसकी अच्छी नहीं है, किसका है अच्छा उसे फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे उसको टैकल करके आप जीतते हो, दैट्स वेरी मैटर। क्योंकि जो इन्होंने करा है भाई, सीधी सी बात है, जुनैद भाई ने 6 एनपीसी शोज खेले और 5 में आपने जीते और एक उसमें ओवरऑल भी जीता है, और मेरे तो ये किसी ने नहीं करा ना अभी तक। मेरे हिसाब से अभिनंदन भाई, मेरा क्या मानना है ना कि मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि मेरी बॉडी सबसे अच्छी इंडिया में, बिकॉज मैंने पहले भी इंटरव्यू में बोला है कि मेरे से बहुत सारे अच्छे एथलीट है, बहुत सारे इनफैक्ट काफी सारे, यानी कि मैं गिन भी नहीं सकता इतने सारे अच्छे एथलीट है, और मैं उनकी बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन क्या होता है कि यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ, खाली तुम हार्डवर्क करते हो ना, तो हार्डवर्क के साथ में तुमको स्मार्ट वर्क भी करना है। जब मैंने देखा कि मैं 2 साल बैक टू बैक इंडिया में कम्पीट कर रहा था, 2015-2016 मैंने महाराष्ट्र इंडिया फिटलाइन क्लासिक और जितने सारे शोज आए मैंने सब कुछ खेला, तो उसके साथ साथ में मुझे ये चीज समझ में आ गई कि जो
मुझे सीढ़ी चाहिए ना, मुझे चाहिए थी ओलंपिया जाने की सीढ़ी, ठीक है, आज भी मुझे वही सीढ़ी चाहिए। तो मैंने सोचा कि जो फेडरेशन से मैं खेल रहा हूँ, सबसे पहले वो फेडरेशन मुझे ओलंपिया लेके नहीं जा सकती कभी भी लाइफ में। तो मैंने एक चीज ये डिसाइड करी। दूसरी चीज ये मैंने डिसाइड करी, 2014 में मैं अर्नॉल्ड क्लासिक एमेच्योर खेलने गया था ओहायो यूएसए में, तब मेरी प्लेसिंग आई थी 18th। अच्छा, तब मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे अभी अपने आप को पॉलिश करने की जरूरत है। तब मैंने 2 साल इंडिया में खेला, 14 में मैंने और सिद्धांत मैंने वर्ल्ड साथ में खेले थे, उसके बाद में मैंने इंडिया में बहुत सारे छोटे बड़े शोज खेले टू इम्प्रूव माई सेल्फ, बी बेटर प्रेजेंटेबल। और उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि जब अब मैं रेडी हूं, तो मैंने स्मार्ट मूव किया। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे ड्रीम के आगे मैं क्या चीज लगाऊंगा, मेरे पास सब कुछ जो लगाना था मैंने लगा दिया, और वो मैंने मेरे लिए लगाया, मुझे किसी की सिंपति नहीं चाहिए। इट इज ऑल अबाउट कि मुझे चाहिए था ये चीज। तो मैंने इसके लिए एक पूरी प्लानिंग की कि कैसे मैं अचीव कर सकता हूँ। 2016 जब मैंने एनपीसी खेलना चालू किया था, तब इंडिया में कोई भी ऐसे शोज नहीं थे जो प्रो कार्ड दे सकते थे। और इंटरनेशनली आपको दो ही वे में प्रो कार्ड मिल सकते थे। नंबर वन, आप कोई भी एमेच्योर शो जीत जाओ, जैसे एमेच्योर ओलंपिया या एमेच्योर अर्नॉल्ड क्लासिक, और उसके साथ में आप ओवरऑल जीत जाओ तो आपको प्रो कार्ड मिलेगा, या तो फिर आप एनपीसी में कम्पीट करो। और एनपीसी में भी दो तरीके थे, अगर आप वहां के रेसिडेंट हो तो आप नेशनल शो खेल सकते हो, जैसे कि मिस्टर इंडिया वही खेल सकता है जो इंडियन रेसिडेंट है। तो वहां पे मैं रेसिडेंट नहीं था, तो उनके पास में एक और ऑलरेडी वो था, दूसरा जो एक उनका सेटअप था जिसमें पेटिशन फाइल करते, जैसे मेरे से पहले मेरी सिस्टर दीपिका चौधरी ने अचीव किया था, तो उसने मुझे ये रायत बताई। तो मैंने एनपीसी शोज खेलने चालू किए और मुझे वहां पे परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, वहां पे रिजल्ट अच्छे आने लगे, मैं 5 एनपीसी शो जीत गया। उसके बाद में मैंने लास्ट 2017 में जब फर्स्ट एमेच्योर ओलंपिया हुआ था, वो मैंने इंडिया में खेला था, उसमें भी मेरी प्लेसिंग अच्छी नहीं है, मुझे नहीं पता क्यों, और मैं किसी को ब्लेम भी नहीं करना चाहता इस बारे में, बस मुझे इतना पता कि शायद मेरे लिए लिखा था कि मैं वापस वहां जाऊं और मैं वहां खेलूं। मैंने वहां पे खेला, मैंने वहां पे गिव अप नहीं किया। इनफैक्ट इट्स नॉट इजी कि आप मुंबई से इंडिया से आप अमेरिका ट्रैवल कर रहे हो और भाई आपने एक अलग कदम उठाया ना। हाँ, जो चीज दूसरा, तो मैंने स्मार्ट वे लिया, स्मार्ट वे लिया, मैंने स्मार्ट वे चूज किया और मैं जल्दी पहुंच गया। वो होता है ना कि तुम गाड़ी चला रहे हो तो तुम्हारे पास में एक लॉन्ग कट एक शॉर्ट कट है, अब अगर तुमको पूरा कॉन्फिडेंट है कि शॉर्ट कट में मैं बराबर से निकल जाऊंगा तो तुम खेलो ना। सही बात। तो मैंने स्मार्ट वे किया और मुझे नहीं लगता कि कोई गलती है। शॉर्ट कट नहीं कह सकते चीज को, जो आपने करा है वो डेफिनेटली स्मार्ट वे, स्मार्ट वे है। हाँ, यानी कि तुम्हें पता है कि आगे इतनी ट्रैफिक लगी है तो फिर ये रोड से क्यों जाना, भाई यहाँ से निकल जाओ दूसरे रास्ते से, हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा। मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ा, थोड़ा नहीं, यानी कि एक बार अगर आप अमेरिका जाके कम्पीट करते हो तो जहां तक कि मेरा एक्सपीरियंस पर्सनल, सिर्फ ट्रैवल का खर्चा 2.5 से 3 लाख रुपया था, ट्रैवल स्टे एंड फूड, बिकॉज हर चीज वहाँ पे महंगी है। बिल्कुल, आपको 1x65 1x70 करना पड़ता है। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, देता कौन है, ये भी परेशानी है। खुदा देता है भाई, खुदा देता है, बंदा लेता है, अच्छे कर्म करते रहो खुदा देते रहेगा। तो मैंने स्मार्ट अवे किया और ये करने के बाद में मैंने एक चीज ये की कि मैं जितना हो सकता था मैंने मेरे दूसरे एथलीट्स को बताया कि भाई ऐसे करो ऐसे करो। तो सबसे पहले आपको ये पकड़ना है कि यू नो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से कहाँ पहुंचना है, आपका ड्रीम क्या है। ड्रीम के बाद में आपको उसकी लेन बनानी है। ऐसा नहीं है, ड्रीम वो नहीं है कि भाई आप ना सो गए आंखों में देख लिया सपना पूरा हो गया, वो नहीं होता। आपको उठना है, मेहनत करनी है और वो जगह पे जाना है। उसके बाद में मैंने मनोज को बताया कि मनोज को ऐसे ऐसे शो खेला करो, मनोज को उससे अच्छा एक्सपीरियंस मिला। वो लोग है जो कुछ भी लिखते हैं, अभी जैसे मिस्टर मुंबई में जब जीता था हम दोनों ही खेल रहे थे तो लोगों ने बोला अरे मनोज जीतना चाहिए था, जुनेद नहीं जीतना चाहिए था। जब मिस्टर इंडिया मनोज जीता तो लोग बोले कि मुंबई मिस्टर इंडिया जुनेद जीतना चाहिए था, मनोज नहीं जीता। तो लोगों के बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इट्स ऑल अबाउट आर अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग कितने अंडरस्टैंडिंग है। एंड ऑफ द डे ये है ना कि ये गेम है ना, ये ब्यूटी गेम है, ये ब्यूटी गेम है, रिलेशन का गेम है। आपको रेसलिंग नहीं करना वहां पे कि भाई इसको गिरा दिया तो आप जीत गए, या क्रिकेट में आपको यहाँ पे इतने रन करने और क्या है, ब्यूटी जजेस को जो अच्छा लगेगा वही विनर है। आप कितने भी झगड़े कर लो, आप कितना भी कुछ कर लो स्टेज पे, आप मार लो या पीट लो दूसरे को नीचे बैक स्टेज पे, वो एक मिनट का गेम है। आप एक मिनट के लिए कितना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मेरे साथ भी हुआ है, आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन की हो पूरी साल, लेकिन स्टेज पे वो एक मिनट में आपको कुछ स्ट्रेस आ गया, आपने कार्ब लोडिंग कम कर ली, गलत कार्ब लोडिंग करी, वो एक मिनट आप खराब हो गया, खराब हो गया, तो आपका पूरा गेम खत्म हो जाता है। सालों की मेहनत, पूरा गेम खत्म हो जाता है, एक मिनट की उस पोजिंग के लिए पूरा साल मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो जो बेटर दिखेगा वो जीतेगा, और जीतता एक ही है, जीतता एक ही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन यहाँ पर रखना चाहूंगा, और वो ये आता है कि कई लोग ये पूछते हैं कि यार इस गेम में आप लोग इस लेवल तक गए और इतने एक्सपेंसेस भी आप लोग इतना खर्च करते हैं, कोई गेम ही सस्ता तो है नहीं। हर कोई जानता है कि यार बॉडी बिल्डिंग कितना एक टफ, कितना महंगा स्पोर्ट है। राइट।
तो आप लोग वहां से यहां तक आज किस तरह से पहुंचे हैं, मतलब किस तरह से आप लोगों ने, क्योंकि आजकल होता क्या है ना कि जितने भी नए एथलीट्स हैं वो लोग ये चाहते हैं कि यार हमारे पास बॉडी बिल्डिंग करने का पैसा नहीं है, हमें कोई स्पॉन्सरशिप दे दे या फिर हमें कोई हेल्प कर दे, तो आप लोगों ने इस चीज को कैसे करा, आप लोगों ने किस तरह से आज यहाँ तक आप लोग पहुंचे हैं? डेफिनेटली कोई बहुत स्ट्रांग फैमिली बैकग्राउंड आपका नहीं होगा, नहीं और नहीं होता है, नहीं होता है एथलीट्स का, किस तरह से आप लोगों ने यहाँ तक आप लोग पहुंचे हैं और क्या इसके पीछे की कहानी है, थोड़ा अपने स्पॉन्सरशिप के बारे में बताऊंगा। जी जी जी, जब हमने कंप्लीट स्टार्ट करा था, जब कंप्लीट करा 2014-2013 में, तो स्पॉन्सरशिप क्या होती है पता नहीं थी किसी को। आज आज का जमाना है, 2019 का जमाना है, एक छोटे एक बोलते ना मुंबई जीतने वाले को भी या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो शो जीतता है उसको भी स्पॉन्सरशिप है, उसके बाद सप्लीमेंट कंपनी है, तो उस टाइम पे तो स्पॉन्सरशिप के नाम की चीज छोड़ दो, उसके बाद पैसा इतना खर्चा होता था हम लोग, यू नो मैं तो आपको छोटी बताई मेरी कि मैंने क्या क्या प्यून बनाया या फिर मैंने कार वॉश किया, बिल्कुल बिल्कुल, और ये सब करते करते हमने खुद को पहले पैसे कमाए अच्छे से कि भाई मेरे को बताया कि भाई ये गेम करने वाला हो तो पैसा लगने वाला है, तो भाई पैसा इकट्ठा कर ले, इकट्ठा करने के बाद आप नेक्स्ट मूव लो, आपके पास पैसा कुछ होता नहीं है, आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, आपको 17 साल में 18 साल में आपको ओलंपिया बनना है तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल उसके लिए क्या हमने भी बहुत सारा मेहनत, मैं 13 से लेके 16 तक मैंने सिर्फ पैसे कमाए, पैसे कमाए, ओनली पैसे कमाए, 16 में आके मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने फिर अपने बॉडी को रिस्पॉन्स, जैसे रिस्पॉन्स मिलते रहा वैसे मैंने अपने बॉडी पर खर्चा करते 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 मैं फर्स्ट कॉम्पिटिशन जीता जब मैं 19-20 साल का और मैं कम्पीट कर रहा हूँ 18 साल से। तो आपको टाइम लगेगा, हर चीज में टाइम लगेगा, आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको पैसे कमाने कैसे उसके आपको वेज निकालने पड़ेंगे, तो ये सब चीज आप करोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस होगे लाइफ। लोग अभी आज के टाइम पे जो होता है मतलब सक्सेस नहीं हो रहे या जो भी जो चीज है वो इसके लिए ना, मतलब लोग बहुत ज्यादा मतलब ग्लैमर ग्लोरी के पीछे भाग रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको खुद को डिसाइड नहीं है कि उनको करना क्या है, करना तो क्या? सबसे पहले मतलब वो बोलते हैं ना मेक अ चॉइस एंड डिसाइड। अभी कितने सारे लोग मैसेज करते हैं मेरे फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे, मुझे स्पॉन्सरशिप कैसे मिलेंगे, तो ये लोग जो होता है ये कंफ्यूज है कि ये चीज करेंगे तो इसकी वजह से ये मिलेगा, आप वो चीज मत करो, आपको जो रियली मतलब जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है, जो चीज आपको पसंद है, जो मतलब आपको मतलब लगता है कि यही करने से मुझे कुछ बोरिंग होने वाला नहीं है, ये मुझे अच्छा लगता है, passion, मुझे passion, हाँ, ये चीज मतलब फर्स्ट आप अपना पैशन आइडेंटिफाई कर लो, फिर उसके पीछे आप टाइम स्पेंड करो, उसके पीछे आप भागो, आप ये मत देखो कि यार जो होता है ये खेल क्या है तो इनका बहुत नाम हो गया तो मैं भी वही काम करता हूँ, तो जब आप वो काम करने जाते हो तो आप फेल हो जाते हो, फिर आप क्या ब्लेम करते हो, अरे यार ये गेम में बहुत निगेटिविटी है, इसमें चीटिंग होता है, इसमें ये होता है, ये तो अपने को डे वन से मालूम है, बट हम लोग सब कुछ एक्सेप्ट करके फिर भी आगे करते जा रहे हैं क्योंकि अपने को मालूम है ये अपना पैशन है और हम लोगों को इसमें कुछ मिले या ना मिले क्या कोई भी कैलकुलेशन नहीं देखने जाते, बस अपने को करना है कैसे भी करना है, तो जब आप इस तरीके से हो जाओगे ना मतलब एकदम पागल हो जाओगे कि आपको करना है तो आप ऑटोमेटिकली आप 50 वे निकालोगे आप, तो उसके लिए जो होता है मैंने पैसे कमाने का भी रास्ता देख लिया, सब कुछ देख लिया, फिर मैंने प्लान किया, मैं कॉम्पीट बहुत पहले कर सकता था बट पहले मैंने पैसे जो होता है सेव किए और मैं अपना मतलब इस इंडस्ट्री में मैंने अपना एजुकेशन भी मतलब किया, बहुत सारे कोर्स वगैरह सब कुछ किए और इसमें काफी टाइम स्पेंड किया मैंने, और मैं मतलब प्रेप मतलब कॉम्पीट करने के पहले जो होता है लोगों को मैं प्रेप भी कराता था ताकि मैं पैसे उनसे कमा के वो पैसे सेव करूं, और फिर जब मैं कॉम्पीट करने के लिए जाऊं तो फिर मैं मुंबई जीतने के बाद फिर मैं ये ना बोलूं कि मुझे महाराष्ट्र खेलने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इंडिया खेलने के बाद मेरे पास पैसे नहीं है, वर्ल्ड खेलने के पास मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं इस चीज के लिए रोऊंगा तो ये मेरा फेलियर है, ये मतलब मैं दूसरे को ब्लेम नहीं करने जाऊंगा कि नहीं जुनैद के पास पैसा था इसके लिए वो खेल लिया, उसके ससुराल से पैसा मिला या उसके चाचा ने दिया या उसके कॉम वालों ने दिया, तो ये सब सारे बात वो लोग करते हैं जिन लोगों ने प्लान नहीं किया होता है, तो इन्होंने भी प्लान किया कि इनको कैसे ओलंपिया के रास्ते पे जाना है, तो आज जब इन्होंने अचीव कर लिया और रास्ता एक वेव बना के दिखा दिया तो लोग फिर बोलते हैं कि ये चीज ऐसा गड़बड़ है, ये चीज ऐसा गड़बड़ है, तो फर्स्ट आप खुद में जो होता है आइडेंटिफाई करो आपको क्या मतलब किस चीज के लिए आप पैशनेट हो, फिर ऑटोमेटिकली आप अगर पैशनेट रहोगे तो आप रास्ता निकाल लोगे, आपको किसी को बताने का कुछ करने का जरूरत नहीं है। और मेरे ख्याल से ना मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा बिकॉज ये लोग ने काफी इनफ बता दिया आपको, बट मेरे ख्याल से ये बोलूंगा कि क्यों आपको कोई स्पॉन्सर करेगा, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप कम्पीट करना चाहते हो तो वो आपका ड्रीम है, स्पॉन्सर कंपनी का ड्रीम नहीं है कि भाई यानी कि जुनैद कलीवाला कम्पीट करना चाहता है तो मैं इसे स्पॉन्सर करूं बिकॉज ये बंदा कंप्लीट करना चाहता है, वो आपका ड्रीम है, तो अगर आपका ड्रीम है तो आपको मेहनत करनी है, अगर कोई भी कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है तो कंपनी को क्या मिलेगा, हम तीनों की बात करूंगा यहाँ पे, मैं ज्यादा किसी की बात नहीं करूंगा, बट हम तीनों जब पहला कॉम्पिटिशन खेलते जैसे मैंने शेरू क्लासिक 2013 खेला था मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं था, बट जब मैं जीत गया तो डेफिनेटली मेरे पास स्पॉन्सर है, बिकॉज अगर तुम कुछ अचीव करते हो तो तुम्हें स्पॉन्सरशिप मिलेगा ना।
मैं एक बात ये भी बोलना चाहूंगा कि मैंने ये नहीं देखा है कि किसी बंदे के पास में या यू नो फैमिली बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा पैसा और वो सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर या फिजिक एथलीट बना है। जितने भी सक्सेसफुल आप नाम गिन लो वो सब लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास या मिडिल क्लास है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अगर तुम्हारे पास में गोल ही नहीं रहेगा तो फिर आप मेहनत क्या, यानी कि अगर मैं आपको सब कुछ प्लेट में लाके दे दूंगा तो आप मेहनत क्यों करोगे, किस चीज के लिए मेहनत करोगे? तो यही तो कारण है जिसकी वजह से आप तीनों इतना ऊपर तक पहुंचे, क्योंकि आपके पास इनिशियली वो चीज नहीं थी, आपके अंदर एक हंगर थी। और एक चीज और, ये स्पॉन्सरशिप वाली बात मैं बताना चाहूंगा कि यार जो भी आपको स्पॉन्सर करता है, जो भी आपको पैसे देता है, तो सिंपल सा ये समझ लो कि वो बिजनेसमैन होते हैं। अगर वो आपको 50,000 रुपए दे रहे हैं ना, तो वो देखते हैं कि आपसे 5 लाख, अरे एक बात बता रहा हूँ, क्यों नहीं देते हैं? देते हैं, फिर दे रहा है। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर वो देते हैं तो वो देखते हैं कि वो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको 50,000 देते हैं तो वो देखते हैं कि आपसे जो होता है 5 लाख रुपीज का रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सही बात है। आपसे जो होता है 1 लाख रुपीज का रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कभी कभी जो होता है ना, मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है 3 मंथ के अंदर क्लोज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको उस बंदे से एक्सपेक्टेशन रहता है कि इसको मैं 50,000 दे रहा हूँ तो ये मुझे जो होता है 2 लाख रुपीज जो होता है हर महीने जो होता है मुझे देगा, प्रॉफिट करके देगा। बट वो नहीं देता और वो चीज क्लोज हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि एथलीट ब्रांड्स बदल देते हैं। हाँ, तो उसके पीछे भी आप रीजन बता दो क्यों बदलते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। वो हाँ। समाज सेवा के लिए नहीं देते, वो ये नहीं, इसके लिए नहीं देते कि आप जाओ और मेडल जीत के लेके आओ, आप जाओ ये करके लेके आओ। उनको आपसे प्रॉफिट रहता है, उनको लगता है कि जो था ये बंदा है को अगर मैं 50,000 दे रहा हूँ या 1 लाख दे रहा हूँ या 10,000 दे रहा हूँ, बढ़ा रहा कि ना मैंने पानी ला रहा हूँ, कोई भी अमाउंट अगर पे कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसका एक्सपेक्टेशन आपसे जस्ट डबल और ट्रिपल रहता है कि ये बंदा मुझे इतना अर्न करके देगा, चाहे वो इक्विपमेंट कंपनी हो, चाहे जो होता है सप्लीमेंट ब्रांड हो या कोई भी ब्रांड हो। तो जैसे अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार इसके पास कोई ब्रांड नहीं है या इसने ये ब्रांड 3 मंथ के अंदर चेंज कर दिया, तो कभी कभी ऐसा नहीं होता कि ब्रांड ने मतलब एथलीट ने चेंज किया या उसने चेंज किया, कभी कभी उनका भी टर्म्स कंडीशन होता है, वो देखने लगते हैं कि उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा तो उसको निकाल देते। बट मेरे हिसाब से ना, मैं कोई कंपनी को ऑफेंस नहीं करना चाहता, लेकिन देखो एथलीट की भी पर्सनल ग्रोथ होती है। एथलीट भी एक कंपनी के लिए अगर काम करता है तो उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन रहती है, और जब उसका 1 साल का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो उसके रिन्यूअल पे उसकी भी कुछ ग्रोथ मैटर करती है, बिकॉज उसको भी अपना घर चलाना है। अगर सीधी सी बात है ना, मैं आपकी दुकान में काम कर रहा हूँ तो मेरे को अगर 2 साल हो गए तो मैं बोलूंगा ना थोड़ा सा मुझे कुछ अच्छा करके दो या कुछ भी ऐसा। तो मेरे हिसाब से अगर एथलीट ब्रांड बदली करता है तो 99% एथलीट अपनी पर्सनल ग्रोथ की वजह से करते हैं। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई कंपनी खराब है, लेकिन सीधी सी बात है ना, अगर कोई एथलीट चेंज कर रहा है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होगा। बिकॉज कोई भी एथलीट को ये नहीं चाहिए कि मैं यार आज ये प्रमोट कर रहा हूं, लेकिन वो प्रमोशन के पीछे मैं ये जरूर बोलूंगा, अगर कोई एथलीट ये बोलता है कि जो मैंने लास्ट कंपनी का प्रोडक्ट लिया था वो खराब था और ये कंपनी का अच्छा है, तो मैं उसके अगेंस्ट, वो गलत चीज़। अगर हम एथलीट कोई चीज प्रमोट करते ना, तो मेरे हिसाब से जहां तक कि मैं टॉप के एथलीट्स की बात कर रहा हूँ, जो लोग एक्चुअल अच्छे ब्रांड्स प्रमोट करते हैं, वो लोग खुद ये सोचते कि हम वही दिखाए जो हम खा रहे। बिकॉज yes, क्या होता है ना कि हम लोग की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाखों लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल, आप समझ रहे हो, अगर लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं तो लाखों लोग ये देख रहे हैं कि यार ये बंदा ये खा रहा है, तो मैं, और अगर उनको वो खाने से कुछ गलत रिजल्ट आता है ना, तो उनके ब्लेम हम पे exactly, वो कंपनी में ब्लेम नहीं करेंगे, कंपनी में नहीं करेंगे। सुनील ने बोला था, मनोज ने बोला था, सिद्धांत ने बोला था, इसके लिए मैंने लिया, तो वो ब्लेम हमारे ऊपर आता है, तो हमको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और एक ये भी रहता है कि रिसेंट में हम लोग जो चीज मतलब आपको बता रहे हैं तो हम लोग वही चीज बताते हैं जो चीज हम लोग यूज कर रहे हैं। मतलब दूसरी चीज हम लोग कैसे, अभी आप अगर मुझसे पूछ लोगे कि यार ये ब्रांड का कैसा है, वो ब्रांड का कैसा है, तो मैं बोल देता हूँ कि भाई मैं उसके बारे में कैसे बता सकता हूँ, जब तक मैंने यूज नहीं किया मैं उसी चीज के बारे में बात कर सकता हूँ जो चीज मैं यूज कर रहा हूँ, जो चीज का मतलब मैं एक्सपीरियंस ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ। हाँ, अभी बहुत सारे लोग ये भी मैसेज करते हैं कि वो कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, तो मैं बोलता हूँ यार अच्छा है, मैंने कब बोला खराब है, मैंने ये नहीं बोला खराब है, मैं ये बोलता हूँ कि अगर जो कंपनी के साथ में मैं अभी हूँ उसका प्रोडक्ट आप लेना चाहते हो जो मैं यूज कर रहा हूँ, तो आपको मेरे कोड पे इतना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा भी नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यही कंपनी का प्रोडक्ट लेना, सही बात, भाई वे प्रोटीन यही कंपनी का खाना, नहीं, हम लोग कभी आपको गलत नहीं, हमारा काम क्या है आपको बताना। तो हमारा हमारा काम ही है कि हम लोग हमारे इंडिया के जितने भी लोग हैं उनको फिटनेस के बारे में गाइड करें और फिटनेस में उनको बोलते ना एक अच्छा वे दे कि भाई ये वे में जाओगे तो अच्छा रहेगा, ये प्रोडक्ट खाओगे तो अच्छा रहेगा, या फिर आप चिकन खाओगे फिश खाओगे तो आपका क्वालिटी अच्छा हो जाएगा, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। तो हमारा काम है, हमारा एथलीट का काम है कि आप सबको नॉलेज, हमारा जितना नॉलेज है वो शेयर करना।